खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा प्रदेश में काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण करने पर राजकीय शिक्षक संघ द्वारा प्रशिक्षण संस्थान रतुड़ा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, जिसमें लगभग 6300 शिक्षकों का स्थानांतरण भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन शिक्षकों की काफी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें जल्दी ही इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मान थे अभी तक सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि इस बार ट्रांसफर में सारे शिक्षक चाहते थे कि काउंसलिंग की जाए, और हमने उस वचन को पूरा किया। इस बार सारे टीचर जो है काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। डायटो में पदस्थापना हो गई है। जो हमारे टीचर LT के कुमाऊं में थे और कुमाऊं के बच्चे गढ़वाल में थे, उनको भी हमने वन टाइम जो है वो अपने मंडल में जा सकते ये भी क्या है। कई मांगे हम लोगों ने उनकी पूरी की हैं, और इसलिए मैं भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को कि आज उनने विधायक जी का भी सम्मान किया है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी सम्मान किया है, हमारे भट्ट जी जो कि राज्य मंत्री उनका भी सम्मान किया है, और साथ में मेरा भी किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं संस्कृत शिक्षा मंत्री भी हूँ और हमारे विधानसभा की जो कमेटी है, हमारे चौधरी जी उसके अध्यक्ष हैं, पहली बार हमने संस्कृत में कई ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, और 5 लाख बच्चों को संस्कृत सिखाने का हमने निर्णय किया है। हर जिले में हम एक एक संस्कृत विद्यालय भी स्थापना कर रहे हैं, और हर जिले में एक एक गांव को संस्कृत गांव भी घोषित कर रहे हैं। संस्कृत एकेडमी के द्वारा हम लोग कई ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, और मैं जल्दी जो है इस पे हमारे जिन जिन इंटर कॉलेज में बच्चे चाहते हैं कि हम संस्कृत में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी भी जो है रिपोर्ट लेने वाला हूँ, और जहाँ अगर लगेगा कि हमको LT में भी संस्कृत के टीचर देने या लेक्चरर्स में भी देने, तो वहाँ भी दी जा सकते हैं।